नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेन आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल हेल्थ एंड किडनी में। दोस्तों, जब भी किसी की किडनी फेल होती है तो वो रिपोर्ट्स में सिर्फ एक ही चीज देखता है और वो होता है क्रिएटिनिन। लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि हमारी अगर किडनी फेल है तो हम किडनी फेल्योर के कौन से स्टेज में है, क्योंकि किडनी फेल्योर के एक्चुअली 5 स्टेज होते हैं। किडनी धीरे धीरे से फेल्योर की तरफ आगे बढ़ती है और उसके 5 स्टेज डॉक्टर्स ने बनाए हुए हैं। तो जब भी किसी की किडनी फेल होती है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए या फिर उसको क्या ध्यान रखना चाहिए, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो किडनी फेल्योर के कौन से स्टेज में है। तो आज का वीडियो इसीलिए है, मैं इसमें बताना चाहता हूं कि अगर आपकी किडनी फेल है तो आप कौन से किडनी फेल्योर के कौन से स्टेज में हो, ये सबसे पहले जान लीजिए और उस मुताबिक आपकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो चलिए, टाइम नहीं बिगाड़ते हैं, सीधा शुरू करते हैं। किडनी फेल्योर के 5 स्टेज कौन से हैं और उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि किडनी फेल्योर के 5 स्टेज होते हैं, तो ये है किडनी फेल्योर के 5 स्टेज और उसमें मैं आपको 1 by 1 बताऊंगा कि कौन से स्टेज में आपका क्रिएटिनिन कितना होगा और उसकी इफेक्ट आपकी बॉडी पे कितनी होगी, यानी कि सिम्टम्स जो दिखते हैं हमारे शरीर में, जो चेंजेस आते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किडनी फेल्योर का पहला स्टेज। तो किडनी फेल्योर के पहले स्टेज में क्या होता है, शरीर में कोई भी बदलाव नहीं आता, कोई भी सिम्टम नहीं दिखता, आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, ना यूरिन में प्रोटीन जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ क्रिएटिनिन में थोड़ा सा फर्क आएगा, तो वो हल्का सा बढ़ के वो 1 के थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। तो वहां पे क्रिएटिनिन आपका पहले स्टेज में 1 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 1.20, 1.30, 1.40, 1.50 तक वो जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको नॉर्मल सा बुखार भी आता है, कोई भी बॉडी में तकलीफ भी हुई है पास्ट में, आप थोड़ी सी कोई बीमारी आई थी, तो भी क्रिएटिनिन ऊपर जा सकता है। तो नॉर्मल अगर आप रिपोर्ट्स करवाते हो उसमें अगर क्रिएटिनिन 1 से थोड़ा सा बढ़ा हुआ तो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी किडनी फेल हो चुकी है। आपको और भी रिपोर्ट्स करवाने चाहिए, आपको नेफ्रोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए, तब जाके पता चलेगा कि सच में ये किडनी फेल्योर है या पास्ट में अभी आपको जो बीमारी आई थी उसकी वजह से क्रिएटिनिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अगर बीमारी की वजह से क्रिएटिनिन बढ़ा था तो वो अपने आप नॉर्मली थोड़े टाइम में वापस चला जाएगा, 1 के नीचे चला जाएगा। अगर वो 1 से ऊपर ही रहता है और बढ़ता ही जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये किडनी में कोई बीमारी है ये दर्शाता है, तो आपको उसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अब देखते हैं किडनी फेल्योर के दूसरे स्टेज के बारे में। तो दूसरे स्टेज में हमारी बॉडी में क्या फर्क पड़ता है, इसमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको ना सांस फूलेगी ना थकान लगेगी, कुछ भी नहीं होगा। इसमें भी सिर्फ आपको रिपोर्ट्स पे निर्भर रहना पड़ेगा। अगर आपके रिपोर्ट्स में क्रिएटिनिन 2 से ऊपर चला गया है, दूसरे स्टेज में क्रिएटिनिन 2 से ऊपर जाके 4 तक जा सकता है। यूरिया भी थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर यूरिक एसिड भी थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी अभी भी स्टेज 2 में भी शरीर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई भी तकलीफ महसूस नहीं होगी। अब बात करते हैं स्टेज 3 के बारे में। तो स्टेज 3 में बॉडी में थोड़ा सा बदलाव आएगा और वो होगा मेनली थकान, आपको थकान लगना शुरू हो जाएगा यहाँ पर, और कुछ कुछ पेशेंट्स में यूरिन में प्रोटीन पास होना भी शुरू हो जाता है। क्रिएटिनिन की बात करें तो क्रिएटिनिन यहाँ पर बढ़ के 4 से ऊपर निकलना शुरू हो जाएगा, 4 से बढ़ के 5 तक, 5.5 तक, 6 तक आ सकता है। इस स्टेज में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, इस स्टेज में आपको अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप पहले ले रहे थे तो अब इस स्टेज में आपको छोड़ देनी चाहिए और नेफ्रोलॉजिस्ट को मिलकर, नेफ्रोलॉजिस्ट आपको जो दवाई देते हैं वही चालू रखनी चाहिए। और साथ में अगर क्रिएटिनिन आपका थोड़ा स्पीड में बढ़ रहा है तो आपको फिटसुला बनवा लेनी चाहिए। आपको अब ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि नहीं नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं होगा, मैं तो एकदम अच्छा हूं, बेहतर हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। आप अगर किडनी फेल्योर के तीसरे स्टेज में हो, आपका क्रिएटिनिन 4 से ऊपर निकल चुका है, 5.5-6 तक पहुंच चुका है, तो अब इतना समझ लेना चाहिए, आपको रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि कुछ टाइम बाद मुझे डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। तो जब जरूरत पड़ेगी उसी टाइम आप डायलिसिस ऑन द स्पॉट कराओगे तो गले में नली डाल के करना पड़ेगा, उससे बहुत बेहतर है कि आप पहले से हाथ में फिटसुला बनवा लो ताकि आपका डायलिसिस बेहतर तरीके से हो सके और आपको कोई दर्द ना हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टेज 4 के बारे में। तो स्टेज 4 में क्रिएटिनिन आपका 7 से ऊपर चला जाता है, तो समझ लेना ये आपका किडनी फेल्योर का 4th स्टेज है। यहां पर आपको सांस फूलने की बीमारी भी शुरू हो जाएगी, यूरिन में प्रोटीन भी निकलना शुरू हो जाएगा, यूरिया भी बढ़ने लगेगा, यूरिक एसिड भी बढ़ने लगेगा, यहां पर किडनी ने काम करना काफी हद तक बंद कर दिया है, तो आपका हीमोग्लोबिन भी अपने आप बनना
बंद हो जाएगा, तो थकावट भी आपको लगेगी। ये सारी चीजें स्टेज चार में आपको महसूस होने लगेगी। और अगर आप स्टेज चार में पहुंच चुके हो और अगर आपने डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि अब डायलिसिस की जरूरत है, तो डायलिसिस यहां पर शुरू करवा दीजिए। ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जो बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड है, यूरिया है, वो सब कुछ अगर बॉडी में फैलता रहेगा तो दूसरे अंगों पे भी उसकी असर होती है और दूसरे ऑर्गन्स भी आपके खराब हो सकते हैं। तो स्टेज चार में अगर आप पहुंच चुके हो, डॉक्टर ने बोला है कि डायलिसिस शुरू करना है, तो डायलिसिस आप शुरू करवा दीजिए, ज्यादा इंतजार मत कीजिए। और स्टेज पांच में भी वही हालत रहेगी। यहां पर बस फर्क और पड़ेगा कि आपका यूरिन है वो भी धीरे धीरे अब कम हो जाएगा या फिर थोड़े टाइम में वो बंद हो जाएगा। स्टेज पांच में जो क्रिएटिनिन लेवल है वो अगर आपने डायलिसिस शुरू करवा दिया है तो वो नॉर्मल रहेगा, 5, 6, 4 यहां तक रुका रहेगा। और अगर अभी तक आपने डायलिसिस शुरू नहीं करवाया तो क्रिएटिनिन आपका 10-11 तक पहुंच सकता है, उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, आपको तुरंत डायलिसिस शुरू करवा देना चाहिए। ट्रांसप्लांट की प्रोसेस कब शुरू करनी चाहिए? तो स्टेज चार और पांच में आप बिना सोचे ट्रांसप्लांट की प्रोसेस शुरू करवा सकते हो, अब ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, डायलिसिस अच्छा ऑप्शन है, डायलिसिस आप कंटिन्यू करो, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, आपको कहीं ना कहीं जाके ट्रांसप्लांट करवाना ही पड़ेगा। तो बेहतर है कि जितना जल्दी हो सके आप ट्रांसप्लांट करवा लो। कम डायलिसिस में ट्रांसप्लांट होता है, उस पेशेंट को बहुत कम तकलीफ पड़ती है, उसका ट्रांसप्लांट भी बहुत अच्छे से हो जाता है, उसका बॉडी भी प्योर होता है, हेल्दी होता है, तंदुरुस्त होता है। जैसे जैसे डायलिसिस करवाते रहते हैं वैसे वैसे बॉडी थोड़ा थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, अगर ध्यान न रखे तो। ध्यान रखे तो डायलिसिस पे भी इंसान अच्छे से जी सकता है, बहुत साल निकाल सकता है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, तो परमानेंट सॉल्यूशन ट्रांसप्लांट ही है। तो आप स्टेज चार और पांच में जब पहुंच चुके हो तो बाकी सारे ट्रीटमेंट छोड़ दीजिए, आयुर्वेदिक पे अब भरोसा मत कीजिए। वो स्टेज एक और दो में थोड़ा कुछ हेल्प कर सकते हैं आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में या फिर आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में, जिसकी वजह से आपकी किडनी फेल हुई होगी, उसको कंट्रोल करने में आयुर्वेदिक थोड़ा सा आपको यूजफुल रहेगा अगर आप स्टेज वन और टू में हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसके कारण किडनी आपकी फिर से चालू हो जाएगी, लेकिन जो किडनी फेल होने की प्रोसेस होगी वो थोड़ी सी स्लो पड़ सकती है, आप डायलिसिस से थोड़ा और दिन अच्छे से बिना डायलिसिस के रह सकते हो, इतना हो सकता है। लेकिन स्टेज तीन के बाद आप आयुर्वेदिक की हेल्प से अब कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हो, तो उसकी उम्मीद छोड़ दीजिए। वो शायद आपके जो रेगुलर मेडिसिन होगी नेफ्रोलॉजिस्ट की, तो उसकी मेडिसिन में ये कहीं ना कहीं बाधा खड़ी कर सकती है, उसका असर कम कर सकती है, तो ये इनडायरेक्टली रिस्की हो जाएगा। तो ये सारे स्टेज है, एक से लेके पांच स्टेज, एक और दो स्टेज में आप थोड़ा बेहतर ध्यान रखोगे अपना डाइट में, मेडिसिन में, बीपी को कंट्रोल रखोगे, शुगर को कंट्रोल रखोगे, तो आप डायलिसिस से थोड़ा थोड़े दिन और अच्छे से बिना डायलिसिस से अपने बॉडी को तंदुरुस्त रख सकते हो। लेकिन स्टेज तीन, चार और पांच ऐसा है कि अब आपको डायलिसिस के लिए रेडी हो जाना पड़ता है, और बेहतर होगा कि आप जल्दी से ट्रांसप्लांट करवा दो। तो ये होगी ओवरऑल जानकारी। लेकिन डॉक्टर्स ने ये पांचों स्टेज को डिवाइड करने के लिए एक रिपोर्ट बताई है, वो होता है GFR रिपोर्ट। GFR रिपोर्ट के बारे में दोस्तों मैंने पहले भी एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी देखिए। अगर आपका GFR रिपोर्ट धीरे धीरे खराब आ रहा है तो आप समझ सकते हो कि किडनी फेल हो चुकी है। तो दोस्तों इतना ही मुझे इस वीडियो में बताना था, पांचों स्टेज के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है, आप इसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते हो, अपने डिसीजन ले सकते हो। इसके बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।